नमस्कार, आप જોઈ રહ્યા છો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી। આપની સાથે હું પૃથા। નજર કરીએ સમાચાર સુપર ફાસ્ટ પર। કોરોનાથી મોત થયેલા લોકોના સરકારી ચોપડે નોંધાયેલાઓ માટે સહાય ચૂકવવામાં આવશે। રાજ્યમાં 10,080 લોકોના કોરોનાથી મોતની નોંધણી। આરોગ્ય વિભાગે તમામ કલેક્ટર્સને મૃતકોની યાદી મોકલી। મૃતકના પરિવારને બેંક એકાઉન્ટમાં સીધી સહાય આપવાનો કરાયો નિર્ણય। સરકારી ચોપડે નોંધણી ન હોય તેના માટે નિર્ણય કરાયો। સુપ્રીમ કોર્ટની ગાઈડલાઈન્સના આધારે પુરાવા રજૂ કરવા પડશે। कोविड की मृत्यु बाद सहाय ने लेने अमदावाद असारवा सिविल सेंटर पर लोगों की कतार। कोविड 1200 बेड हॉस्पिटल में कोरोना की मृत्यु थे बाद सर्टिफिकेट की स्पष्टता न होवा स्वजनों हैरान। सिविल सेंटर पर फॉर्म आपवा अने कोरोना की मौत थयु होय तेवा लखाण लखावा माटे लोगों की कतार। लोगों आक्षेप है कि कोरोना की मौत थयु होवा छता सर्टिफिकेट में कारण नो उल्लेख नहीं। जेतपुरना जुड़ी सीमा विस्तार में देखायो सिंह। मोड़ी रात्रि सिंहना आटाफेरा थी वाड़ी विस्तार में काम करता मजूरो काम मुक्याने थया रवाना। सिंह विस्तार की वाड़ी में सिंहे बड़द कर्यु मारण। अमरेलीना धारीना मालसिका रोड पर पेट्रोल पंप नजीक पांच सिंह घुसिया। पेट्रोल पंप पर सिंह आटाफेरा थी पांच संचालकों में फफड़ाट। सिंहों की लटार सीसीटीवी में कैद। नवसारी की युवती ट्रेन में मौत अंगे रचाया एसआईटी सभ्यों की आज बैठक। रात्र वडोदरा वेक्सिन मैदान में अधिकारी करते तपास। अमदावाद सोला सिल्वर ऑफ कॉलेज में विद्यार्थियों होबाड़ो। ऑफलाइन परीक्षा मौकूफ राखवा करायो हतो होबाड़ो। अभ्यासक्रम हजू बाकी होवा परीक्षा करायो विरोध। सुरेन्द्रनगर थाना आजाद चौक में पानी की मुख्य पाइपलाइन तूटी। हजारों लीटर पानी वेटफाट। छेल्ला चार दिवस की पाइपलाइन तूटता तंत्र की बेदरकारी आवी सामे। लोगों में वध्यो रोष। गांधीनगर में मिली केबिनेट की बैठक। कोरोना की मौत मामले सहाय। वाइब्रेंट गुजरात वडाप्रधान की मुलाकात और पाक नुकसान सहित मुद्दाओं पर चर्चा। गांधीनगर में 9 डिसेम्बरे शुरू थे बजेट माटे विभागीय बैठकों जे 20 डिसेम्बर सुधी योजाशे। बैठक में ड्राफ्ट बजेट सहित दरेक विभाग ड्राफ्ट बजेट ने लईने चर्चा। बीजी तरफ फंड वपरायेला विभागों प्रमाण में बजेट की कराशे चर्चा तो रिवाइज बजेट बाबते बैठक में थशे चर्चा। जारे दरेक विभाग नाणामंत्री सामे बजेट की मुकाशे मांगणी। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की तैयारी पूरजोश में। 10, 11 और 12 जान्युआरी योजाशे वाइब्रेंट समिट। आत्मनिर्भर गुजरात और आत्मनिर्भर भारत की थीम पर समिट। देश विदेश उद्योगपतिओ ने अपाशे आमंत्रण। वाइब्रेंट समिट की रोजगारी की तक वच्चे अमदावाद में एरपोर्ट की अलग अलग स्थल पर होल्डिंग्स लाग्या। गोधरा भुवावा परिवार में धर्मांतरण करायो होवानो आरोप। होबाड़ा बाद पुलिस मामलो थाळे पाड्यो। जन्मदिवस की उजवणी करवा मित्रों एकठा थया होवानो दावो। पंचमहाल में धर्मांतरण की अरजी बाद तपास शुरू। गोधरा पुलिस 16 लोगों का निवेदन लेवानु कर्यु शुरू। नडिया थी गोधरा आया था तमाम लोग। वडोदरा धर्मांतरण और आफमी हवाला केस में 1800 पाना की चार्जशीट दाखिल। उमर गौतम सलाउद्दीन और मोहम्मद हुसैन विरुद्ध चार्जशीट। अब्दुल्ला फेफटावाला और मुस्तफा थानावाला चार्जशीट में आरोपी। अमदावाद में टमेटा भाव में उछाड़ो। टमेटा 100 रूपये किलो वेचाता गृहिणियों बजेट खोरवाय। गुजरात यूनिवर्सिटी में यूजी पीजी ऑफलाइन परीक्षाओं शुरू। परीक्षार्थी वच्चे यूनिवर्सिटी विद्यार्थियों ने हित में फरजियात हेलमेट पहेरवा करवामां आव्युं आह्वान। राजकोट में सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में चालती परीक्षा माटे एक विद्यार्थी की प्रेरणादायक हिम्मत। टीवाई बीकॉम विद्यार्थी की सर्जरी थी और बाद विद्यार्थी परीक्षा आपवा यूरिन की थैली साथ पहोंच्यो। सूरत में आज भाजपा सौथी मोटू स्नेह मिलन। सीएम भूपेन्द्र पटेल प्रदेश प्रमुख पण रहेशे हाजर। सूरत ना तमाम 12 एमएलए मंत्रीओ पण उपस्थित। कार्यक्रम में 30,000 कार्यकरो हाजरी आपशे। पाटण में मातृ तर्पण तीर्थ सिद्धपुर में मातृवंदना कार्यक्रम प्रारंभ। गृहमंत्री हर्ष संघवी ना वरद हस्ते करायो कार्यक्रम प्रारंभ। रमतगमत युवा और सांस्कृतिक प्रवृत्ति विभागों कर्यु आयोजन। पाटण में योजाला एक कार्यक्रम में गृह राज्यमंत्री हर्ष संघवीए पाटणना भरपूर वखाण कर्या। हळवी शैली में तेमणे कह्युं के पाटण जईए तो पटोड़ा लीधा वगर न जई शकाय। नलिया में धुम्मस भर्युं वातावरण छवायुं। पहली सवारथी गुलाबी ठंडीनो शीतकाल। राज्य में सौथी ओछुं तापमान नलिया में। अबड़ासा विस्तार में वहली सवारथी झाकलनुं साम्राज्य सर्जायुं। धुम्मसथी विजिबिलिटी ओछी थता वाहन चालको परेशान। अमदावाद ने मळेलो छे हेरिटेज सीटी नो दरजो। ज्यां जोवा मळे त्यां गुजरात नी भातीगळ संस्कृति। पोळो होय के शेरीओ तमाम पर आवेला छे मकान। दरेक धरावे छे आगवुं महत्व। हेरिटेज हाउस में गुजराती परंपराओ अने तेमना समयनी लोकोनी रहेणी कहेणीनी सुंदर समन्वय। 16मी सदीनी इटालियन स्टाइल में डिजाइन जोवा मळी।
हवेली में फ्लोर और बारी में बेल्जियम ग्लास कॉर्पोरेशन और हेरिटेज सेल ना सहियारा प्रोजेक्ट तेमज फ्रेंच गवर्नमेंट प्रोग्राम की जूनी हवेली रेस्टोरेंट में फेरवाई। 100% वैक्सीनेशन लक्ष्यांक ने पूर्ण करवा माटे केंद्र सरकारे हर घर दस्तक अभियान शुरू कर्यु। भावनगर में आरोग्य तंत्र विविध विस्तारों में जय कर रसीकरण। मनपा अनुसार एक ज दिवस में 1800 लोगों ने रसी आपवामां आवी। महानगरपालिकाना तमाम वोर्ड में 40 जेटली टीमों मुकवामां आवी। भावनगरना 13 वोर्ड में आरोग्य विभाग की कामगीरी ने रसीकरण कार्यक्रम वेग पकड़ो। मनपानी कामगीरी ने लोगों आप्यो सारो प्रतिसाद। महेसाणा में म्यूकर माइकोसिस केस नोधायो। उनावा गाम में 65 वर्षीय महिला ने लक्षणों देखाया। हाल दर्दी सिविल ट्रोमा सेंटर वोर्ड में दाखिल। कोरोना रसी की चकासणी लईने एएमसीए शहर 7 झोन में शुरू कर्यु चेकिंग। शॉपिंग मॉल होटल्स और रेस्टोरेंट में लीधी मुलाकात। लोकोए वैक्सीन लीधी है कि नहीं ते अंगे तपास। राज्य में 24 कलाक में कोरोना नवा 36 केस नोधा। 25 दर्द रिकवर। आज कोरोना की नवसारी में एक व्यक्ति मृत्यु। अमदावाद में सौथी वधु 17 केस नोधाया। वडोदरा में 6 केस आया सामे। नवसारी और सूरत में 3-3 केस। राजकोट और जामनगर में 2-2 केस। सूरतना सचिना श्री रामनगर में चोरी की शंकाए युवक ने थांभला साथे बांधी मार मारवामां आव्यो। युवक ने ढोर मार मारता तेनुं निपजुं मृत्यु। पुलिसे 7 लोगों सामे गुनो नोंध्यो। मृतक महाराष्ट्र की रोजगारी माटे आव्यो हतो सूरत। अमदावादना चांदखेड़ा में तस्करोए सोना की दुकान में चोरी करी। लाखों रूपया मुद्दा माल चोरी करी फरार। फूलनी दुकान में बाकरू पाड़ी और सोने की दुकान में घुस्यो हतो। अंबाजीना दांता तालुकाना हड़ाद पुलिस स्टेशन में कथित आरोपीए करी आत्महत्या। बोसा गामना युवके गळा फांसो खाई करी आत्महत्या। पुलिसे शंकास्पद हालत में युवक की करी हती धरपकड़। आदिवासी लोगों मोटो जमावड़ो। बनासकांठा जिला मोटो पुलिस काफलो हड़ाद खड़की देवामां आव्यो। जाणसमा पुलिस स्टेशन में आरोपी मृत्यु। जुगार रमता पकड़ायेला बे पैकी एक आरोपी मृत्यु। परिवारे पुलिस स्टेशन में कर्यो होबाळो। परिवार नो पुलिस ऊपर आक्षेप। न्याय नहीं मळे त्यां सुधी मृतदेह नहीं स्वीकारवामां आवे। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली ना मदरेसा में सगीरा साथे दुष्कर्म। सगीरा पर दुष्कर्म आचार्य नो मोला नो पर आक्षेप। घटना बनी सिलवास में। पुलिस ना उच्च अधिकारी पुलिस स्टेशन में दौड़ी आया। मामला ने गंभीरता थी लई तपास शुरू करी। नवसारीनी युवतीना ट्रेन में मौत ने लईने वडोदरानी ओएसिस संस्थानी कराशे तपास। संस्थानु काम केटला कार्यकरो ते अंगे पण थशे तपास। मृतकनी गुम साइकलनी पण चाली रही छे शोधखोळ। वलसाड ट्रेन में युवतीना मौतनो मामलो। युवतीनी माताए कह्युं के तेनी दीकरी अन्य लोकोने आत्महत्या करवानी शिखामण आत्महत्या न करवानी आपती हती शिखामण अने ते उपरांत ते आत्महत्या न करी शके। युवतीनी माताए कह्युं के गृह राज्यमंत्री हर्ष संघवी पर विश्वास छे के तेओ न्याय जरूरथी अपावशे। गीर सोमनाथ में वधी रह्या छे हत्याना बनावो। जिलाना अलग अलग विस्तार में एक पछी एक 4 हत्या थई। तलाड़ा उना अने डोडिया बाद वेरावल में पण जाहिर में युवानी हत्या। भाजपना सांसद अने पूर्व क्रिकेटर ने मळी धमकी। गौतम गंभीर ने जानथी मारी नाखवानी धमकी मळी। ईमेल थी आईएसआईएस कश्मीर तरफ थी धमकी मळी। गौतम गंभीरे दिल्ली पुलिस नो कर्यो संपर्क। केन्द्रनी मोदी सरकार जनता ने फरी एक बार राहत आपवानी तैयारी में। पेट्रोल डीजल नी वधती किंमतो ओछी करवा केन्द्र भरी रह्युं छे एक पगलू। जेना माटे तैयार करायो छे एक प्लान। भारतनी अनामत तेल भंडारमांथी 50 लाख बेरल क्रूड ऑइल काढवानी योजना। आ क्रूड ऑइल मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स तथा हिंदुस्तान पेट्रोकेमिकल्स कोर्पोरेशन लिमिटेड ने वेचाशे। जयपुरनी एक स्कूल में 12 बाळकों कोरोना पॉजिटिव मळता तंत्र हरकत में। रविवार सुधी स्कूल बंद। गहलोत सरकारे मांगी अधिकारी पासे रिपोर्ट। ओडिशाना स्कूल कॉलेजों में कोरोना विस्फोट। सुंदरगढ़ी ने एक ज स्कूल में 53 छात्राओं कोरोना पॉजिटिव। त्याना संबलगढ़ में 22 एमबीबीएस छात्रों मळ्या कोरोना पॉजिटिव। लखनऊ में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी की मुलाकात। बन्ने दलों वच्चे गठबंधन पर सहमति। आरएलडी ने 32 में 36 सीट आपवानी खबर। बंगालना सीएम ममता बेनर्जी आज सांजे 5 कलाके पीएम मोदी साथ कच्छ मुलाकात। बीएसएफ आधिकारिक क्षेत्र में वधारो और त्रिपुरा मुद्दे थई शके छे बात। दिल्ली में एनसीआर में वधता प्रदूषण पर एससी कोर्ट में आज सुनावणी। प्रदूषण ओछू करवा माटे एससी केन्द्र और राज्य सरकारों आपी शके छे निर्देश। क्रिप्टोकरंसी पर शीतकालीन सत्र में बिल लावशे सरकार। बिल में भारत में तमाम प्रकार की खानगी क्रिप्टोकरंसी पर प्रतिबंध लगावामां आवशे।
पीएम मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्री आज बैठक योजना त्रणे कृषि कायदा परत करने प्रस्ताव रजू कर सके। यूपी हरदोई में मेला में डांस जोवा पहुंचेला एक युवक की कराई धुलाई, अंगत अदावत में मारवामां आव्यो मार, जेनो वीडियो आव्यो सामे, पुलिसे दरमियानगिरी करता मामलो शांत पाड्यो। मध्यप्रदेश रायसेन में केटलाय टोलकर्मीओए एक ट्रक ड्राइवर की करी बेरहमी थी पिटाई, तेनी वच्चे टोल मुद्दे माथाकूट थता थई मारामारी। टोल प्लाजा कर्मचारीओए ट्रक ड्राइवर पर लातो फेटो अने डंडा थी मार मार्यो, मारपीट बाद ड्राइवर घायल थता रस्ता पर ज बेहोश थईने पड्यो। हैदराबाद में बे माळनी इमारत में सिलिंडर में ब्लास्ट, 11 लोग थया घायल, लोग धड़ाको थता ग्राउंड फ्लोर पर राखेला सिलिंडर में थयो हतो आ धड़ाको, घटना सीसीटीवी में आवी सामे। उज्जैन में बे वर्ष बाद महाकाल की सवारी धामधूम थी काढवामां आवी, महाकाल की सवारी दरमियान महामारी दरमियान रस्तो नानो करी देवामां आव्यो, जेमां लोको शामिल न थई शक्या के लोको न दर्शन करी शक्या। पीएम नरेन्द्र मोदी कर्नाटक सीएम बसवराज मोमैनी साथे करी बात, राज्य में भारे वरसाद थी कथळती परिस्थिति करू निरीक्षण, आ साथ ज पीएमए दरेक शक्य मदद आश्वासन आप्यु। हैदराबाद प्राणी संग्रहालय में एक व्यक्ति सिंहनी सामे बेसी गयो, जो कि सिंह तेने कशुं ज ना कर्युं, ते पोतानी गुफा में जतो रह्यो। प्राणी संग्रहालय कर्मीओए ते व्यक्ति ने बहार काढ्यो अने तेनी विरुद्ध फरियाद नोंधावी, तो पोलीसे पण ते व्यक्तिनी करी अटकायत। हरियाणा हिसार में इलेक्ट्रॉनिक्स सामान की दुकान में काम करना कर्मीए ज दुकान में लगावी आग, दुकान मालिक ने वेतन वधारवानी मांग करता तेने नौकरी में काढ़ी नाख्यो हतो, घटना सीसीटीवी में कैद। महाराष्ट्र नांदेड़ में एनसीबीए ड्रग्स तैयार करती फेक्टरी नो कर्यो पर्दाफाश, दरोड़ा में करोड़ों नशीला पदार्थों सामे त्रण लोगों की कराई धरपकड़। 24 कलाक में देश में कोरोना 9283 केस नोधाया, 437 दर्दियों कोरोना थी थया छे मृत्यु, 10,950 दर्दियों कोरोना थी थया रिकवर। केरल में कोरोना वायरस नवा 4,972 केस आया सामे, वधु 370 लोगोना थया छे मृत्यु, केरल में एक्टिव केस की संख्या 53,350। तमिलनाडु में 24 कलाक में कोरोना नवा 741 केस नोधा, 13 दर्दियों कोरोना ने कारण मृत्यु, 808 दर्दियों कोरोना थी थया रिकवर। महाराष्ट्र में कोरोना नवा 766 केस आया सामे, 24 कलाक में 19 दर्दियों कोरोना थी मृत्यु, 929 दर्दियों कोरोना थी थया रिकवर। राजधानी दिल्ली में कोरोना नवा 27 केस नोधाया, छेल्ला 24 कलाक में एकपण दर्दीनुं मृत्यु नहीं, 28 दर्दियों थया रिकवर। विश्व में कोरोना वायरस का कुल 25,89,00,000 से वधारे केस, अत्यार सुधी में 51,82,000 से वधारे लोगों ना थया छे मृत्यु, 23,42,00,000 से वधारे लोग थया रिकवर। अमेरिका में कोरोना वायरस का कुल 4,88,00,000 से वधारे केस नोधाया, अत्यार सुधी में 7,96,000 से वधारे लोगों ना मृत, 3,87,00,000 से वधारे लोगों कोरोना ने आपी मात। ब्राजील में कोरोना वायरस का कुल 2,20,00,000 से वधारे केस, 6,13,000 से वधारे लोगों ना थया छे मृत्यु, 2,12,00,000 से वधारे लोगों थया रिकवर। रशिया में कोरोना वायरस का कुल 94,00,000 से वधारे केस, कोरोना ने कारण 2,66,000 से वधारे लोगों ना थया छे मृत्यु, 80,89,000 से वधारे लोगों कोरोना ने आपी मात। फ्रांस में कोरोना ना कुल 74,50,000 से वधारे केस, अत्यार सुधी में 1,18,000 से वधारे लोगों गुमाव्यो छे जीव, 70,62,000 से वधारे लोगों कोरोना ने आपी मात। उत्तर आफ्रिकी देश लिपिया में 100 थी वधारे शरणार्थी समुद्र में फसाया, जेओने जर्मनी की एक एनजीओ की टीम रेस्क्यू करी बचाव लीधा, लाकड़ानी बोट थी समुद्र पार करवानी करी रहा था कोशिश। समुद्र में रेस्क्यू ऑपरेशन चलावनारी सी वोचनी नामनी बचावनी टुकड़ी तेना पर नजर पड़ी अने तेओए वगर लाइफ जेकेट पहरेला शरणार्थी ने बचाव्या, मोटा जहाज में मोकलवामां आव्या। आफ्रिकी देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ दी कोंगो में प्रदर्शन, चूंटणी आयोग नवा अध्यक्ष विरुद्ध विपक्ष लोगए कर्यु प्रदर्शन। गत महीने त्याना राष्ट्रपति पोताना एक नजीकना मित्र ने चूंटणी आयोग बनाव्या हता अध्यक्ष, जेने लईने विपक्षे आयोग की निष्पक्षता पर उठाव्या सवाल। राजधानी किन्शासा में चूंटणी आयोग की ऑफिस बहार प्रदर्शनकारी एकठा थया कि पुलिस की टीमें तेओनी पर वोटर केनन मारो चलाव्यो अने केटलायनी करी धरपकड़। यूरोपना देश बुल्गेरियाना परनिक प्रांत में बस अकस्मात नड्यो, बस में डिवाइडर साथे अथड़ाता आग लागी, अंदर बैठेला 45 थी वधु यात्रीओना जीव थया अद्धर। बस में यात्रीओ तुर्कीना इस्तानबुल थी यूरोपियन देश नॉर्थ मेसेडोनिया तरफ जई रह्या हता, दुर्घटना में घायल थयेला ने तुरंत सारवार अर्थे हॉस्पिटल खसेडाया। मिस्र
એલેક્ઝાન્ડ્રિયામાં શહેરમાં ભારે વરસાદને કારણે લોકોને મુશ્કેલીમાં વધી કેટલાય રસ્તા ઉપર પાણી ભરાયા જ્યારે વાહનો પણ પાણીમાં ગરકાવ થયેલા જોવા મળ્યા. નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાતા લોકોને ઘર બહાર નીકળવું પડ્યું છે મુશ્કેલ. બીજી તરફ રાહત બચાવની ટીમ પણ સતત લોકોની કરી રહી છે મદદ. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ જો બાઇડન અને તેમની પત્ની નોર્થ કેરોલાઇન રાજ્યના થેન્ક્સ ગિવિંગના જશ્ન મનાવ્યો, જેમાં સેનાના જવાનો અને તેમના પરિવાર પણ થયા સામેલ. દર વર્ષે નવેમ્બરમાં ચોથા ગુરુવારે થેન્ક્સ ગિવિંગની રજા હોય છે, જેમાં લોકો પોતાના પરિવાર સંબંધીઓ અને મિત્રો સાથે ઉજવે છે આ તહેવાર. આ સાથે જ ખુશીઓ માટે આભાર માને છે. બાઇડન અને તેમની પત્નીએ એપ્રોન બાંધ્યું અને સૈનિકોને પોતાના હાથેથી ભોજન પીરસ્યું, જે પળોને કેટલાક સૈનિકોએ પોતાના કેમેરામાં કેદ કર્યા. ઇટલીની રાજધાની રોમમાં દક્ષિણ કોરિયાની વેબ સિરીઝ સ્ક્વિડ ગેમ રમાડવામાં આવી, તો ગેમમાં બતાવેલા વિશાલ રોબર્ટ ડોલને પણ એક યુવતીની જેમ રજૂ કરાઈ. ચીનના શિયાંગ શીમાં 6 માળની એક ઇમારત અચાનક ધ્વસ્ત થઈ, જેનો કાટમાળ દટાઈ અને 4 લોકોના થયા છે મૃત્યુ, તો કેટલાય લોકો થયા ઘાયલ. શ્રીલંકાના ત્રિકોમાલીમાં હોડી પલટતા 6 લોકોના થયા છે મૃત્યુ. દુર્ઘટનામાં 12 લોકોનો બચાવ. મોતને ભેટેલા સ્કૂલના 4 બાળકોનો સમાવેશ. સમાચાર સુપરફાસ્ટમાં સમય થયો છે વિરામનો. વેલકમ બેક. આગળ નજર કરીએ સમાચાર સુપરફાસ્ટ પર. અમેરિકાના કેલિફોર્નિયામાં એક ગાડીમાં રાખેલા ડોલર હાઈવે ઉપર પડતા ડોલરનો વરસાદ વરસ્યો. એક ટ્રક ડોલરથી ભરેલી બેગ લઈ અને પસાર થઈ રહ્યો હતો. ટ્રકનો દરવાજો ખુલતા જ બેગ નીચે પડી ગઈ. બેગમાં રાખેલા ડોલર હવામાં ઉછળતા જ તમામ વાહનો થંભી ગયા અને રસ્તા ઉપર ડોલર લૂંટવા હોડ જમાવી, જ્યારે ટ્રકમાંથી ડોલર પડતા હોવાનો તેનો ટ્રક ગાયબ થઈ ગયો હતો. આફ્રિકી દેશ સુદાનમાં હાઉસ અરેસ્ટ વચગાળાના પ્રધાનમંત્રી અને સેનાની વચ્ચે થયેલી ડીલમાં નાખુશ જનતા. એકવાર ફરી લોકો રસ્તા ઉપર ઉતરી આવ્યા અને પ્રદર્શન કર્યું. ડીલ હેઠળ સેનાના ચૂંટણી થવા સુધી તે પ્રધાનમંત્રી ફરી ગાદી ઉપર બેસાડવા માટે રાજી થઈ ગઈ, જેનો તેઓએ તખતા પલટ કર્યો હતો. જોકે હજુ પણ સરકાર સેનાની દેખરેખ હેઠળ કામ કરશે. લોકોને ડીલની શરતો પસંદ ન આવી અને રાજધાની ખરતુમમાં સેનાની વિરુદ્ધ મોરચો ખોલી દીધો. પ્રદર્શનકારીઓ ઉપર કાબુ મેળવવા માટે ટીયર ગેસના સેલ છોડવામાં આવ્યા. બીજી તરફ પ્રદર્શનકારીઓએ પણ પોતાના પ્રધાનમંત્રીને નિશાને લીધા અને નારાજગી વ્યક્ત કરી, જે સેનાએ નિસહાય લોકોનું ખૂન વહાવ્યું છે. પ્રધાનમંત્રી તેમની સાથે કેવી રીતે ડીલ કરી શકે? ચીનના ઉત્તર પૂર્વી વિસ્તારમાં હિમવર્ષાનો કહેર. નવેમ્બરમાં હિમવર્ષાનો 116 વર્ષનો રેકોર્ડ તૂટ્યો. સતત હિમવર્ષાની લઈને શીતલહેરને કારણે લોકોને મુશ્કેલી વધારે થઈ. લોકો રસ્તા ઉપર પડેલા બરફને હટાવવા માટે એકજૂથ થવું પડ્યું, તો ઉત્તર પૂર્વીય વિસ્તારમાં કેટલાક વિસ્તારોમાં પડી રહેલી હિમવર્ષાના દ્રશ્યો ડ્રોન કેમેરાથી સ્પષ્ટ જોવા મળ્યા. રેકોર્ડ બ્રેક બરફવર્ષાને કારણે કોઈ દુર્ઘટના ન સર્જાય તે માટે ટ્રાફિક કર્મીઓએ રસ્તા ઉપર મોરચો સંભાળી લીધો. રાત્રે બરફ હટાવવાના મશીનોથી બરફ હટાવવામાં આવ્યા. રસ્તો જ નહીં પરંતુ ઇમારતો અને વાહનો ઉપર પણ બરફ ઢાંકેલો જોવા મળ્યો. એક તરફ હિમવર્ષા, તો બીજી તરફ ધુમ્મસને કારણે લોકોની પરેશાની વધી. યેરુશલેમમાં થયેલા એક ચરમપંથી હુમલા બાદ ઇઝરાયેલના લોકોનું પ્રદર્શન. ચરમપંથી સંગઠન હમાસ સાથે જોડાયેલા એક ફિલિસ્તીની હુમલાખોરે ફાયરિંગ કર્યું. આ હુમલામાં એક વ્યક્તિનું મૃત્યુ નિપજ્યું, જ્યારે 2 પોલીસકર્મીઓ સહિત 3 લોકો થયા ઘાયલ. પ્રદર્શનકારીઓએ રસ્તા પર ઉતરી જવાબદારો સામે કાર્યવાહી કરવા કરી માંગ. આ તરફ સરકારે પણ એલર્ટ જાહેર કર્યું અને અનિચ્છનીય ઘટના ન બને તે માટે લોકોને સાવધાન રહેવા પણ કરી અપીલ. ઇટલીના વેનિસમાં શહેરને પ્રદૂષણથી બચાવવા માટે અનોખી મુહિમ, જેને માટે લોકોએ પાણી પર કર્યું પ્રદર્શન. લોકોએ નહેરો પર મોટા જહાજો ન ચલાવવા કરી માંગ. આરોપ છે કે સરકાર શહેરના પ્રદૂષણથી બચાવવા માટે યોગ્ય પગલાં નથી ભરી રહી, જેના માટે લોકો શહેરની નહેર પર લોકો પોતાની બોટ લઈને નીકળી પડ્યા. આરોપ છે કે ત્યાંની નહેરો પર મોટા જહાજો ચાલવાથી પાણી અને હવામાં પ્રદૂષણના સ્તરમાં વધારો થયો છે, જે વેનિસ માટે ખૂબ જ ખતરનાક છે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ સુરત એરપોર્ટથી સાંજે દિલ્હી જવા રવાના થશે. વાયબ્રન્ટ સમિટની બાબતે દિલ્હીમાં કરશે રોડ શો, તો દિલ્હીના ગુજરાત ભવનમાં કરશે સીએમ રાત્રિરોકાણ. ઉપલેટાના સાજરિયાળી ગામે દીપડાનો વિડીયો થયો વાયરલ. મોજ નદી કાંઠે વિસ્તારના ખેતરોમાં દીપડો આંટાફેરા કરતો દેખાયો. દીપડો દેખાતા ખેડૂતોમાં ફફડાટ.
ग्राम पंचायत की चूंटी ने लीधे जीपीएससी क्लास वन की परीक्षा पाची चिराई। हवे 19 डिसेम्बर ने बदले 26 डिसेम्बरे योजाशे परीक्षा। मददनीश व्यवस्थापक वर्ग बेनी परीक्षा 2 जान्युआरी योजाशे, ज्यारे आंकड़ाकीय सेवा नायब नियामक वर्ग 1 की परीक्षा 2 जान्युआरी योजाशे। મહેસાણાની વિસનગર એપીએમસી પર ભાજપનો દબદબો, 100 બેઠકોની મતગણતરી પૂર્ણ, ભાજપ સમર્પિત પેનલમાં તમામ ઉમેદવારોનો વિજય, કાર્યકરોએ ફટાકડા ફોડી જીતની ઉજવણી કરી। અમદાવાદ દર્શન માટે હેલિકોપ્ટરની સેવા શરૂ કરાશે। સાબરમતી હેલિપેડથી અમદાવાદ દર્શન, સીપ્લેનના સર્વેમાં 6 સ્થળોના કરાયા પસંદગી, રિવરફ્રન્ટ એસઓયુ ધરોઈ ઉકાઈ ડેમનું પણ નામ સામેલ। सिविल एविएशन मंत्री पुणेश मोदी निवेदन, वाइब्रेंट समिट में एर एम्ब्युलेंस की सेवा शुरू थे, राज्य सरकार जूनू विमान एर एम्ब्युलेंस में वपराश। 108 पर कोल करने पर 1 कलाक 50,000 भाड़ू, हॉस्पिटल एर एम्ब्युलेंस भाड़ू 55,000, खानगी व्यक्ति 65,000 भाड़ू, 1 कलाकना समय आ भाड़ू रहें। अतिवृष्टि सहाय चुकवणी मामले मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री वच्चे गांधीनगर में बैठक मळी, कमोसमी वरसाद थयेला नुकसान अंगे चर्चा करवामां आवी, खेडूतोने सहाय चुकवा अंगे विशेष चर्चा। नुकसानी अंगे चार जिला में 242,32,00,000 की चुकवणी करवामां आवी, 1,19,000 खेडूतोने सहाय मळी, चार जिलाओं में सहाय माटे 2,21,000 खेडूतोने अरजी करी। जामनगर जिला में 164 करोड़, जूनागढ़ में 26 करोड़ 72 लाख की चुकवणी, पोरबंदर जिला में 16 करोड़ 13 लाख और राजकोट में 35 करोड़ 5 लाख की सहाय की चुकवणी। मोरबी ड्रग्स केस में अत्यार सुधी में 11 आरोपीओं की धरपकड़ कराई, आरोपीओं रिमांड में वधु खुलासा था, अत्यार सुधी में 146 किलो ड्रग्स पकड़ाय। गुजरात एटीएसे कहूं कि आ केस में 2 आरोपीओ वॉन्टेड। आरोपीओं की पूछपरछ में वधु नाम खुल्या, जामनगर की रोसी बंदर थी वधु 2 किलो जत्थो झड़पवामां आव्यो, पंजाब राजस्थान बोर्डर पर ड्रग्स रिसीव करनारनी पण अटकायत कराई। ड्रग्स केसनो मास्टरमाइंड ईशा राव हजू पण फरार, पाकिस्तान थी ड्रग्स लावी अने पंजाब पहोंचाड़तो हतो, जामनगरना जोड़ियानो वतनी छे ईशा राव। राजकोट मनपाना 100% वेक्सिनेशनना दावा सामे कांग्रेसना आक्षेप, कांग्रेस नेता हेमांग वसावडाए 100% वेक्सिनेशनना दावा ने खोटा गण्या, कह्यु के मनपा डमी सर्टिफिकेट जनरेट करी खोटा दावा करे छे। कांग्रेसना आक्षेप बाद राजकोट मेयरनो खुलासो, मेयरे हेमांग वसावडाना आक्षेपोने फगाव्या, कह्यु के कोई अरजदार सर्टिफिकेट सामे वांधो उठाव्यो नथी। जूनागढ़ मनपा कमिश्नर सामे एट्रोसिटी अंतर्गत कार्यवाही करवा मांग, पूर्व कोर्पोरेटर ने गेट आउट कहता एससी समाज में रोष, कलेक्टर ने आप्यु आवेदन पत्र। मनपा कमिश्नर और कोर्पोरेटर विवाद वच्चे एससी समाज लोग कलेक्टर कचेरी पहुंचा, पूर्व कोर्पोरेटरे ऊंचा अवाजे करी हती रजूआत, कमिश्नरे धीमा अवाजे रजूआत करता कहू और बाद में कोर्पोरेटर ने गेट लॉस्ट कही दीधु। सूरत में वोहरा समाज कार्यक्रम में मोटी संख्या में लोग उमटिया, कोट विस्तार में आश्रे 5 लाख जमावड़ो, कोरोना समय में आटली मोटी संख्या में लोग जमावड़ो एक चिंता विषय। अमदावाद में सेल्फीए लीधो युवक नो भो, साबरमती रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी पर चढ़ी सेल्फी लेता सगीर ने करंट लगता निपजू मृत्यु। सूरत में कॉफी शॉप में बेभान मड़ेली विद्यार्थिनी मृत्यु, मृतक विद्यार्थिनी परिवारजन मोटो आक्षेप, विधर्मी युवक कॉफी शॉप में युवती साथ हाजर हतो। राजकोट ट्राफिक पुलिस फरी विवाद में, नक्सली विस्तार में फरज बजावता आर्मी जवान साथ गैरवर्तणूक आक्षेप, जवाने ट्राफिक पुलिस तमाचो मार्यो होवानो कर्यो आक्षेप। दक्षिण गुजरात में वापी नगरपालिका की चूंटणी जंग जाम्यो, सत्ताधारी पक्ष भाजप कांग्रेस अने आप वच्चे खेलाशे त्रिपाखीय जंग, वापी नगरपालिका में छेल्ला 2 टर्म्सथी हतुं अपक्षनुं शासन। आ वक्त की चूंटी में बने पक्षों जीतना दावा कर, भाजपे चूंटी में कांग्रेस की क्लीन स्वीप करने करी बात, तो कांग्रेस परिवर्तन की आंधी आवश्यक। आगामी 28 नवम्बरे योजाशे वापी पालिका की चूंटी, छेल्ला 25 टर्म में 5 टर्म में भाजप जारे 3 वक्त जारे 2 वक्त अपक्ष की पेनल विजय थो, अत्यार सुधी में कांग्रेस की पेनल एक पण वक्त विजय नहीं थो। શિયાળાની શરૂઆત થતા રાજ્યભરમાં તલના કચરિયાની માંગ વધી, કચરિયું બનાવવાની પદ્ધતિ છે ખૂબ જ રસપ્રદ, આ સાથે સ્વાસ્થ્ય માટે પણ લાભદાયી, શિયાળાની શરૂઆતમાં કચરિયું બનાવવા માટે રાજસ્થાનનો પરિવાર પહોંચ્યો ભાવનગર। મહેસાણામાં વરસેલા કમોસમી વરસાદને કારણે ખેતીને ભારે અસર પહોંચી, ખેરાલુ તાલુકા વિસ્તારમાં વરિયાળીના પાકને મોટા પ્રમાણમાં નુકસાન, વરિયાળીનો પાક સંપૂર્ણ નિષ્ફળ જવાની ખેડૂતોમાં ભીતિ। राजकोट जिला में जेतपुर में जोवा मळ्या सिंहना पंजाना निशान, जेतलसर गाम नजीक 3 सिंहना आटाफेरानी आशंकाए वन विभागे हरकत में आव्यो, स्थानिक खेडूतों में पण भयनो माहोल। भावनगर मार्केटयार्ड में मगफळीनी हराजी अटकावाई,
खरीदाये मगफली की घटना में चोरी थयानो वेपारीए कर विरोध। मार्केटयार्ड में वारंवार जणसी की चोरी वेपारी लगवा आक्षेप। खेड़ा महुदा मामलतदार कचेरी मध्यान्ह भोजन विभाग की बेदरकारी। हेरंज प्राथमिक शाला मध्यान्ह भोजन शेड की पाड़ सरकारी अनाज फेंकी देशी चना और तुवेर की दाण फेंकी देडियो आ। जूनागढ़ माड़िया हाटीनामा सेवा सहकारी मंडली पर करोड़ों भ्रष्टाचार आक्षेप। भंडूरी गाम में किसान संघे लगवा आक्षेप। मंडली मृत्यु पमेला खेडूत लोन ले मोटी मूडी की उपाचत करी हो आक्षेप। सहकारी मंडली कर्मचारी ओछी जमीन धरावता खेडूतों लोन इश्यू करी और मोटी रकम चाव करी। भ्रष्टाचार मामले फरियाद दाखल न कराता किसान संघे धरना मार्ग अपनाव। बारडोली पासपोर्ट केन्द्र पर इंटरनेट सेवा खोरवाता लोग ने भारे हालाकी। अपॉइंटमेंट लई अने आवेला लोको टेक्निकल खामी ने कारणे लांबा समय सुधी राह जोवा बन्या मजबूर। विद्या सहायक की भर्ती ने लईने टेट पास उम्मीदवारोए शिक्षण मंत्री जीतू वाघाणी ने मळवा पहोंच्या। पहली तके भर्ती करवा माटे मांगणी करवामां आवी। शिक्षण मंत्री 3000 थी वधु शिक्षकों की भर्ती माटे करी हती जाहेरात। समाचार सुपरफास्ट में अत्यारे बस आटलू ज। वधु समाचार माटे जोता रहो न्यूज 18 गुजरात। नमस्कार।